वेलकम टू नेटवर्किंग हब रोटा। वैसे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन राउटर्स, जिसको राउटर के कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताना होगा कि मेरा नाम विनेश गुप्ता है और मेरा चार साल एक्सपीरियंस हो गया है आईटी इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंजीनियर एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर, ठीक है। तो आप लोगों में सिस्को के बारे में कि राउटर जो सिस्को होती है, ठीक है, तो राउटर कैसे कन्फिगर करते हैं, बेसिक कमांड क्या होती है, कैसे उसको बूट कराओगे राउटर को, ठीक है, और कैसे उसको यूज करना है, कौन सी सीरीज में राउटर लेना सही होता है, ये ठीक है। तो राउटर जितनी राउटर होती है आपका, वो सारे सीरीज में राउटर मिलते हैं आपका, ठीक है, सारे सीरीज में राउटर होती है। तो सो डैट आप राउटर को देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैं इसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और देन वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और देन हम लोग दोस्तों, अगर मैंने डिस्कशन ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने भी शेयर कर चुका हूँ, और उसमें बहुत सारा मैं अपडेट देते रहता हूँ। और मेरा कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग, वैसे मैं लाइव ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो लाइव ट्रेनिंग के लिए आप मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जैसे इसमें क्या होता है, ये सिस्को राउटर सीरीज में होती है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे राउटर को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको कंसोल पर रोल ओवर को केबल की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो, आप ये देख सकते हैं कि ये जो केबल है, तो यहाँ पे सीरियल इंटरफेस में मेरी कंप्यूटर में कनेक्टेड है और ये मेरे सिस्को राउटर से जा रही है, ठीक है। और ये बीच में RJ45 कनेक्टर होना चाहिए, और इसको जो बोलते हैं हम लोग कंसोल पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्को राउटर में जो भी आपका जो राउटर की पोर्ट होती है, वो होती है कंसोल पोर्ट, ठीक है। तो कंसोल पोर्ट में आपका RJ45 कनेक्टर का जो साइड होती है उसमें लगती है सिस्को राउटर में। देन आपको जो कंप्यूटर में आपको लगाना है, आपको कंसोल पोर्ट लगाओगे, रोल ओवर केबल लगती है, ठीक है, जो कि सीरियल इंटरफेस में आपको लगाते हैं हम लोग, उसके थ्रू हम लोग बूट कराते हैं। अब देखो, बूट कराने के लिए अगर मतलब आपको सिस्को राउटर को बूट कराना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कंसोल कनेक्टिविटी होना चाहिए, कनेक्टर और रोल ओवर केबल टू द कंसोल पोर्ट, RJ45 कनेक्टेड कनेक्टेड होना चाहिए रोल ओवर केबल से, ठीक है। एंड कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द रोल ओवर केबल टू द RJ45 DB एंड 9 कन्वर्टर, मतलब कन्वर्टर भी आप ले करके रोल ओवर केबल से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अटैच द फीमेल कन्वर्टर टू PC सीरियल पोर्ट, मतलब PC सीरियल पोर्ट से आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। और देन ओपन इमुलेशन सॉफ्टवेयर ऑन द PC, आप दोनों को इमुलेशन सॉफ्टवेयर PC और रिक्वायरमेंट होगी। अब कौन कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी वो बूट कराने के लिए, आफ्टर रोल ओवर केबल कनेक्टेड होने के बाद कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करोगे कि उसे बूट कराओगे सिस्को राउटर को, वो राउटर होती है आपकी सीरीज में, ठीक है, नॉट ग्राफिकली। तो देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे इमुलेटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि विंडोज में आपकी जैसे स्टार्ट प्रोग्राम, जैसे आपका विंडोज XP होती है, राइट। तो विंडोज XP में जाकर के बाय डिफॉल्ट हाइपर टर्मिनल का सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट उसमें इनबिल्ट आती है, ठीक है। तो उसको आप हाइपर टर्मिनल को ओपन करें करें और उसके बाद उससे बूट करा सकते हैं सिस्को राउटर को, ठीक है। तो स्टार्ट में जाकर के, देन प्रोग्राम्स में जाकर के, एसेसरीज में, कम्युनिकेशन में, हाइपर टर्मिनल जाकर के, हाइपर टर्मिनल जाकर के आप दोनों को क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। गिव द कनेक्शन नेम एंड सिलेक्ट एनी आइकन, ठीक है। सिलेक्ट सीरियल कॉम पोर्ट वेयर राउटर इज कनेक्टेड इन पोर्ट सेटिंग, क्लिक ऑन रीस्टोर डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट करके आर देन आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये क्या होती है आपकी लिनक्स में क्या होती है, लिनक्स में क्या होती है आपकी मिनिकम हाइपन एस, जैसे ही आप एक विंडोज आप सिस्टम के अंदर लिनक्स OS इंस्टॉल है, तो आप मिनिकम स्लैश यस आप ये कमांड चला दोगे, तो आपका जैसे ही आपने जो सिस्को राउटर आपने बूट कराने के लिए लगाया आपने सिम एज इट इज, ठीक है, तो उसमें मिनी OS मिनी iOS होती है ना, सॉरी मिनिकम हाइपन एस, मिनिकम हाइपन एस
कमांड होती है मिनिकम हाइपन एस कमांड होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बूट करा सकते हो, राइट। अब देखो ये होती है आपकी सिस्को आईओएस। सिस्को क्या होता है, सिस्को इंटरनेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम रन सिस्को राउटर एंड सिस्को स्विचेस। इट इज कमांड लाइन इंटरफेस थ्रू सिस्को आईओएस वी कॉन्फिगर द राउटर एंड स्विचेस। इट वाज क्रिएटेड टू डिलीवर नेटवर्क सर्विसेज एंड इनेबल नेटवर्क एप्लीकेशन। मतलब देखो जैसे हम लोग कोई भी बूट कराते हैं, आप सिस्को राउटर जैसे ही आप बूट कराओगे तो आईओएस क्या होते हैं, आईएसओ फाइल होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बूट कराते हैं उसको, उसमें इनबिल्ट होती है, ठीक है। उसमें हम लोग आईएसओ को बैकअप भी ले सकते हैं और उसमें रीस्टोर भी कर सकते हैं आईएसओ फाइल, ऐसी होती है इसमें। उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिस्को राउटर को बूट कराते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्को आईएस क्या होती है, कैरिंग द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड फंक्शन। हर एक प्रोटोकॉल्स का फंक्शन अलग अलग होती है, नेटवर्क अलग अलग होती है, ठीक है। कनेक्टिंग हाई स्पीड ट्रैफिक बिटवीन डिवाइस, दोनों डिवाइस के बीच में उसकी स्पीड ट्रैफिक जो होना चाहिए हाई स्पीड होना चाहिए, ठीक है। एडिंग सिक्योरिटी टू द कंट्रोल एक्सेस एंड स्टॉप अनऑथराइज्ड नेटवर्क यूज, ठीक है। मतलब कि कोई भी सिक्योरिटी अगर कंट्रोल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए अनऑथराइज्ड नेटवर्क यूज आप स्टॉप कर करके देन आप क्या कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो सप्लाइंग नेटवर्क रिलायबिलिटी फॉर कनेक्टिंग द नेटवर्क रिसोर्सेज, जितने नेटवर्क रिसोर्सेज हैं जैसे केबल हो गया है ना, आरजी 45 कनेक्टर हो तो उसे कनेक्ट करके हम लोग एक्सपीटी कनेक्ट करते हैं, देन उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखो राउटर का भी मोड होते हैं, ठीक है। तो मोड्स ऑफ द राउटर, यूजर मोड होते हैं, प्रिविलेज मोड होती है, कॉन्फिगरेशन मोड होती है, सेटअप मोड होती है। मतलब यूजर मोड होती है जस्ट एंट्री लेवल होती है, ठीक है, एंट्री लेवल होती है। जैसे ही आप मतलब कि जैसे विंडोज के अंदर आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड यूजर होती है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, यूजर मोड होती है वो, ठीक है। और देन प्रिविलेज जो मोड होती है ना आपकी, जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल होती है प्रिविलेज मोड, ठीक है। कॉन्फिगरेशन मोड वो होती है जो कि ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड होती है, कि जितने कमांड होती है सारे एक्सेप्ट करती है। आपको मैं इसके बारे में सारा बताऊंगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा मैं। देखो देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ एंटरिंग कमांड, दो कमांड, जैसे यूजर मोड होती है तो लिमिटेड एग्जामिनेशन स्विच ऑन राउटर कमांड प्रॉम्प्ट। होस्ट टाइम अगर आपको एंट्री करना है तो यूजर मोड होती है, जैसे कंप्यूटर है तो यूजर मोड आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड मोड एंड मोस्ट कॉमनली यूज प्रिविलेज और इनेबल मोड में क्या होता है, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ स्विच और राउटर। मतलब जितने आप अगर मतलब जैसे प्रिविलेज मोड में, ये इसको इनेबल मोड भी बोलते हैं हम लोग, देन प्रिविलेज भी बोलते हैं मोड बोलते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी इनेबल मोड में कमांड चलती है, कौन कौन सी आपकी प्रिविलेज मोड में चलती है, ये सारा आपको बताने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। तो डिटेल्स एग्जामिनेशन ऑफ स्विच और राउटर, कमांड प्रॉम्प्ट, होस्ट नेम, ठीक है। अब देखो इनेबल, जैसे आप जैसे लॉग इन द राउटर करोगे तो इनेबल में जैसे ही राउटर एंट्री करोगे, तो जैसे मैंने अभी राउटर में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं एक सिस्को पैकेट ट्रेसर होती है जो कि आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट वर्जन फॉर स्टार्टिंग कैंडिडेट के लिए मैं बोलूँगा कि आप सिस्को डाउनलोड करें स्टूडेंट वर्जन, जो कि आप लोगों को सीखने में आसानी हो जाए, ठीक है, ठीक है ब्रदर। देखो मैं कोई राउटर यदि लेता हूं, मैं जैसे मैंने आपको, मैं राउटर लिख के बताता हूं आपको, ये मेरा राउटर है, ठीक है। और मैं एक पीसी कनेक्ट करता हूं, मैं सॉरी ये मैं प्रैक्टिकल पूरे परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है। मैं एक पीसी लेता हूं, मैं ठीक है, तो मैं इसे कनेक्ट करता हूं, मैं पहले एक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। ये जितने राउटर आती है ना आपको सिस्को सीरीज में आती है आपके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पोर्ट कनेक्ट कर देता हूं। ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पावर ऑन है। तो आप क्या कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो दोस्तों, यहां पे कनेक्ट करो आप, ठीक है। और देन आप क्या करो,
लॉग इन करो, ऑन करो। देखो ये क्या हो रही है, राउटर बूट हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताता हूं, जैसे यहां पे मैं नो कर रहा हूं, अगर देखो यहां पे क्या है, कंटिन्यू द कॉन्फिगरेशन डायलॉग बॉक्स यस और नो। मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको केबल से भी कनेक्ट कर देता हूं मैं। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं नो अभी करता हूं मैं, और ये जैसे मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, इंट्री लेवल बोलते हैं। ठीक है, राउटर को। तो मैंने यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं ये इनेबल मोड कर रहा हूं मैं। अभी क्या, कहाँ पे आ गया मैं, प्रिविलेज मोड में आ गया। ये दोनों इंट्री लेवल होती है। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने अभी बता रहा हूं मैं, ये क्या है, इनेबल मोड, जिसको डिसेबल भी कर सकते हो आप। अब देखो ये इनेबल मोड, अब जैसे ही आप इनेबल मोड में आकर कहां पे आ जाओगे, प्रिविलेज मोड में आ जाओगे, लॉगिन में। ठीक है, तो अभी कहां पे हो, अभी प्रिविलेज मोड में हो। तो बहुत सारे यूजर मोड में परमिशन नहीं होती है, देन प्रिविलेज मोड में होती है, बट यूजर मोड में परमिशन होती है। ठीक है, जो कि आप बहुत सारे कमांड यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसको एग्जिट करता हूँ मैं। तो देखो इसमें जितने कमांड होती है ना, इसमें अगर प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क्स लगा दोगे, तो समझो कि इतने सारे कमांड इसमें यूज होती है, इतने कमांड आप यूज कर सकते हो आप। आपको कमांड रटने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या आया, इनेबल मोड में आया मैंने, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो। क्वेश्चन मार्क में मतलब देखो इतने कमांड आप यूज कर सकते हो आप, जो मैंने अभी मैंने बताया हूं मैं ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं अभी बता रहा हूं आपको, जैसे अभी मैं स्टार्ट। ठीक है, अब देखो एक होती है डिफरेंस आउटर मोड्स होती है, जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन मोड होती है, जैसे इंटरफेस, सब इंटरफेस, ठीक है, कंट्रोलर्स, लाइन, राउटर, आईपीएक्स, इतने सारे कमांड यूज होती है। जैसे यहाँ भी आप क्वेश्चन में अगर ग्लोबल मोड में जाते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, एक्सेस मोड, प्रिविलेज एक्सेस मोड होती है, ग्लोबल कनेक्शन मोड होती है, जो ग्लोबल कनेक्शन मोड ये होती है जो कि आप कमांड यूज करके देन आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप बहुत सारे कमांड इसमें जो आईपी एड्रेस जितने हम लोग कन्फिगर करते हैं, आपकी ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में कैसे आएंगे, कन्फिग यहाँ पे टर्मिनल चलाओगे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। कन्फिगर टर्मिनल चलाओगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पे आऊँ, आ गया मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। ठीक है, अब देखो एडिटिंग कमांड लाइन में कंट्रोल ए करो द मूव योर कर्सर टू द बिगिन ऑफ द लाइन, मतलब कोई भी अगर कमांड चला रहे हो, ठीक है, तो मूव कंट्रोल ए मूव करो, कितने जितने कर्सर आपको मूव करना है तो कंट्रोल प्लस ए करोगे तब तो आप कर्सर मूव कर सकते हो। ठीक है, देखो कंट्रोल ई करोगे तो मूव योर कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब देखो कंट्रोल प्लस बी करोगे तो मूव बैक इन द कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर अगर आपको डिफाइन करना है तो कंट्रोल बी से मूव कर सकते हो। ठीक है, स्टेप प्लस बी मूव बैक ऑन वन वर्ड, कंट्रोल प्लस एफ मूव फॉरवर्ड वन कैरेक्टर, स्टेप प्लस बी मूव फॉरवर्ड वन वर्ड, कंट्रोल प्लस डी और बैक डिलीट्स और सिंगल कैरेक्टर, कंट्रोल प्लस आर रीडिस्प्लेज ऑल लाइन, कंट्रोल प्लस यू इरेज ऑल लाइन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इरेज ऑल वर्ड, कंट्रोल प्लस सी शो लास्ट कमांड इंटर, टैब फिनिशेज टाइपिंग और कमांड फॉर यू सो नेक्स्ट कमांड। अब देखो बेसिक राउटर कमांड्स में, बेसिक राउटर कमांड अगर करोगे तो आपकी इनेबल पासवर्ड सीसीएनए करोगे, जैसे कैसे जितने जितने कमांड जो होती है ना, आपको सारा मैं बता देता हूं मैं कि कौन कौन से आपको कमांड यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, देन चलो अब हम लोग बताते हैं कि मैं कमांड कौन कौन सी यूज होती है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं मेरा। ठीक है, इनेबल, देखो इनेबल मोड में कौन कौन सी कमांड यूज होती है, शो वर्जन की राउटर को वर्जन देख सकते हो आप। ठीक है, मैं एग्जिट करता हूं मैं, तो शो वर्जन देखो राउटर की कौन सी वर्जन है, ये आपकी वर्जन दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन दिखाया है, आईएसओ भी वर्जन दिखाएगा आपका। देखो यहाँ पे मेरी सीरीज है वर्जन 12.2, आईएसओ फाइल है मेरी। ठीक है,
और ये मेरी सारे फाइल है, मैं आपको सारे बताऊंगा इसमें, ठीक है। आईएसओ फाइल में ये मेरी फाइल है, रोम मेरे इतनी है, सिस्टम बूट स्ट्रैप वर्जन 12.1 एंड रिलीज सॉफ्टवेयर FC1 एंड प्रोसेसर बोर्ड ID JD1 एंड ये सारे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कमांड आप यूज करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट आपको कमांड बताता हूं। मैं इसमें जितने बेसिक कमांड होती है ना सारा आपको बताऊंगा। सो मेमोरी मतलब मेमोरी आप देख सकते हो, ठीक है। सो मेमोरी मेरे रैम कितनी है, सो मेमोरी, एक मिनट, सो मेमोरी नहीं, ये कमांड नहीं चलती है, ठीक है। मैं दूसरे के कमांड बताता हूँ। सो फ्लैश, अगर मैं बात करूं सो फ्लैश की बात करूं तो ये देखो फ्लैश में क्या दिखाता है, आपकी लेंथ कितनी है ना, साइड ऑफ कैटेगरी कितनी है ये, ठीक है दोस्तों। और ये डायरेक्टरी आपकी शो हो रही है, फाइल लेंथ इतने मीटर की है, ठीक है। और देन आपकी साइड ऑफ कैटेगरी और है, डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल है, अवेलेबल है ना, फ्लैश प्रोसेसर बोर्ड सिस्टम फ्लैश है, रीड राइट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे चीज आप देख सकते हो। अब देखो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। मैं अब देखो इसमें सो रनिंग कॉन्फ़िगर, जितने आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जितने आपने कॉन्फ़िगर किया है ना तो आपको सारा दिख जाएगा। सो सो रनिंग कॉन्फ़िगर, तो जितने आपने राउटर में जितने आपको कॉन्फ़िगरेशन चलानी है ना, जितने आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ ये सारे आपकी शो हो जाएगी शुरू से। जैसे आपने जो भी कमांड चलाया, आपने जितने आपने कोई आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया आपने, ठीक है, तो आपने सारा ये शो कर जाएगा, शो रनिंग कॉन्फ़िगर अगर कमांड चलाओगे तो, ठीक है। एक और नेक्स्ट कमांड हम लोग मैं बताता हूँ आपको, शो क्लॉक, जो टाइम एंड डेट शो होती है ये, तो उसमें बताता हूँ। अगर टाइम देखना है कितनी है मेरी राउटर की टाइमिंग है, तो आप टाइमिंग भी देख सकते हो, आप मेरी टाइमिंग इतनी हो रही है, अभी गलत टाइम दिखा रहा है, बट टाइम को भी चेंज कर सकते हो आप, राइट, ठीक है। नेक्स्ट कमांड मैं बताता हूँ आपको कि शो यूजर्स, देखो शो यूजर्स चल यूज हो रही है, शो यूजर्स मतलब यूजर्स कितने, इसमें आपने यूजर कितने क्रिएट किया है, सारे इंटरफेस, यूजर मोड, आइडल, पीयर एड्रेस, ये सारे आपको दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कमांड है। सो हिस्ट्री, जो जो आपने कमांड जितने सारे यूज किया है तो आपने हिस्ट्री में जाकर के आप देख सकते हो, राइट। सो हिस्ट्री कमांड, सो हिस्ट्री कमांड में जो कि जितना मैंने कमांड चलाया है ना अभी, ये देखो ये जितने आपने कमांड चलाओगे, जितने इसमें कमांड चलाओ सारे आपको सो हिस्ट्री चलाओगे कमांड, तो आपके सारे शो हो जाएगी आपकी, ठीक है, सो हिस्ट्री कमांड। अब देखो नेक्स्ट कमांड में बताता हूं आपको, सो इंटरफेस, यानी कि सो इंटरफेस, सो इंटरफेस मतलब कि जो आपकी फास्ट इंटरनेट 0/0 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, डिसेबल, हार्डवेयर इज लेंस, एड्रेस इज 0060 है ना, हार्डवेयर इज SD6450। मतलब देखो सो इंटरफेस, जितने आपके इंटरफेस है ना ये सारे आपके इंटरफेस शो हो रही है, जो मैंने अभी इंटरफेस कनेक्ट किया हूं, जैसे मैंने एक इंटरफेस कनेक्ट किया हूं तो ये शो हो रही है, तो जितने आपके राउटर से कनेक्टेड होगा ना इंटरफेस वो सारा शो हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट कमांड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आपको बताता हूं मैं। सो इंटरफेस, सो इंटरफेस ब्रीफ, अब देखो सो सो इंटरफेस, सो इंटरफेस ब्रीफ, आपको ब्रीफ में जो आपने यूज किया है ना, BRIEF, सॉरी, सो इंटरफेस, सो इंटरफेस ब्रीफ, BRIEF होगा भाई, मैं कुछ गलत लिख रहा था, सॉरी फॉर डैट। सो इंटरफेस BRI, अच्छा ये नहीं ले रहा, ओके, सो BRIEF,
BRI शो इंटरफेस ब्रीफ, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, बी आर एक शो इन शो इंटर शो इंटरफेस ब्रीफ चल क्यों नहीं रहा है। अच्छा उसमें शो करेगा ये है ना, तो शो चलो शो इंटरफेस एक मिनट जस्ट वेट, ये कमांड क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा इसमें नहीं चलेगा ये सो इंटरफेस, सही कमांड सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो कमांड कोई कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब कोई राउटर हम लोग सीरीज में लेते हैं ना तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। सो इंटरफेस ब्रीफ अगर चलाऊं मैं, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, सो इंटरफेस इंटरफेस ब्रीफ इनेबल मोड में बात करता हूं मैं तो सो इंटरफेस बी आर आई ई एफ सो इंटरफेस बी आर आई ई एफ बी आर आई ई एफ ठीक तो है, बी आर आई ई एफ होना चाहिए ना, ठीक है। सो इंटरफेस ब्रीफ सॉरी सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होगा राइट, मैं कुछ गलत लिख रहा था सॉरी फॉर दैट। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होगा मतलब सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो मैंने गलत क्यों कर रहा था, मैंने देखो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मतलब क्या है कि जो जो आपने इंटरफेस पे आईपी दिया होगा ना आपने, तो ये सारे आपको आईपी इंटरफेस जो जो आईपी आपने इंटरफेस पे दिया है वो सारे शो हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड के बाद सो आईपी इंटरफेस करो, ठीक है। सो आईपी इंटरफेस उसके डीप में बताता है और सो आईपी इंटरफेस तो ये सो आईपी इंटरफेस, तो देखो ये प्रोटोकॉल ये सारे आपको प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर सारा शो हो रही है आपकी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सो आईपी राउट, जितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती है ना जो जो आपने रूट कॉन्फ़िगर किया है ना स्टार्टिंग राउटिंग जैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें यूज होती है सो आईपी राउट। तो जितने आपने राउट दिया होगा आपने जो पाथ दिखाया आपने हर एक प्रोटोकॉल का रिप हो या आईजीआरपी हो ईएजीआरपी हो तो सो आईपी राउट करोगे तो आपकी प्रोटोकॉल सारे शो हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरी होगा डीबग, डीबग आईपी पैकेट, डीबग मतलब कि कमांड को चेक करने के लिए यूज होती है ये डीबग आईपी पैकेट, डीबग आईपी पैकेट। देखो पैकेट मतलब क्या है, मेरा कोई भी डीबगिंग अभी क्या है ऑन है इसीलिए कोई भी कमांड आप रन कर सकते हो ये दिखा रहा है आपका, ठीक है। कमांड को चेक करने की यूज होती है चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में पढ़ते हैं हम लोग, ओके तो कन्फ्यूजन टर्मिनल पे आ गया। अभी अभी मैं क्या करता हूं मैं, अब मैं कन्फ्यूजन मोड पे जाता हूं मैं और कोई पासवर्ड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनेबल पासवर्ड स्ट्रिंग लगाओगे इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ हाउ, अब हाउ टू सेटअप होस्ट नेम। अब देखो होस्ट पहले ऑल डीबग मैसेज देख लिया आपने, इनेबल ऑन डीबग ऑल, ऑन डीबग ऑल कर दोगे तो डीबगिंग मैसेज स्टॉप हो जाएंगी सारे, ठीक है। बट अभी मैं अभी करता हूँ होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, जैसे कंप्यूटर नेम का होस्ट नेम चेंज करते हैं ना, तो यहाँ भी कन्फिगरेशन मोड पे आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। आप कन्फिगर टर्मिनल पे जाओगे, यहाँ पे होस्ट नेम लिखो, होस्ट नेम राउटर वन, ठीक है। तो अब इन होस्ट नेम में क्या हो गया, राउटर वन हो गया मेरा, ठीक है। होस्ट नेम में क्या होगा कि आपका राउटर वन आपका क्या कर दिया आपने चेंज कर दिया, राइट। होस्ट नेम जो भी रखना है आपको नेटवर्किंग हब गुप्ता या जो भी आपको रखना है तो होस्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कमांड रखते हैं कि मैं हाउ टू सेट इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड
और इनेबल पासवर्ड कैसे रखते हैं, सीक्रेट पासवर्ड कैसे। सीक्रेट पासवर्ड वो होती है जो कि आप कहीं भी पासवर्ड आप यूज कर सकते हो, सीक्रेट पासवर्ड। तो पहले इनेबल पासवर्ड रखेंगे और देन वो पासवर्ड, पहले इनेबल पासवर्ड रखते हैं हम लोग। तो इनेबल इनेबल पासवर्ड CCNA रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनेबल इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड यूज होती है आपकी इनेबल, है ना, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड स्ट्रिंग लगा दोगे कैरेक्टर में हो जाएगा आपका, है ना। तो इनेबल पासवर्ड सीक्रेट लगा दो, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। इनेबल पासवर्ड सीक्रेट मैं CCNP रख देता हूँ मैं, ठीक है, इनेबल। अब जैसे यहाँ पे लॉग इन करोगे ना, तो देखो मैं लॉग इन करके बताता हूँ, मैं एग्जिट करूँ तो मैं इनेबल पासवर्ड पे देता हूँ। तो पासवर्ड मांगा ना, CCNA दे दिया मैंने, CCNP जो सीक्रेट पासवर्ड होगा वही लेगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, फिर कॉन्फ़िगर मोड पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरा जो कमांड होगी, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड स्ट्रिंग लगा दो कि कैरेक्टर में हो जाएगा, देखेगा ना कोई। इनेबल इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हाइफन STRING पासवर्ड स्ट्रिंग, नहीं ये कमांड नहीं चलेगी, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड स्ट्रिंग, ओके नहीं चलेगी ये, एक मिनट जस्ट, ओके। देखो सीक्रेट पासवर्ड का फायदा क्या है, मैं अगर मैं सीक्रेट पासवर्ड लगाने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड को कोई ब्रेक भी कर सकता है, अगर कैरेक्टर में अगर नहीं रखोगे सर्विस पासवर्ड नीचे नहीं करोगे तो पासवर्ड कोई ब्रेक भी कर सकता है। तो टाइप 7 अगर किसी को राउटर का पासवर्ड पता नहीं है तो आप टाइप 7 करें और पासवर्ड कोई पासवर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो टाइप यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर को कॉपी करके डाल दोगे तो आप पासवर्ड को ब्रेक भी कर सकते हो। तो ओके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कि पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों एक मिनट जस्ट वेट, मैं यहाँ पे टाइप 7 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ मैं टाइप अच्छा ये साइड काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो कोई कोई साइड काम भी नहीं करती है तो, है ना, कोई कोई साइड भी काम नहीं करती है ये, अभी काम बंद करना छोड़ दिया, बट आपको पासवर्ड इंक्रिप्शन भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारी साइड है कि आप ब्रेक भी कर सकते हैं पासवर्ड को, ठीक है। अभी क्या करता हूं, जैसे मैंने अगर देखो मैंने अभी कोई सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कोई पासवर्ड ही फाइंड आउट कर लेता है ये। सो इंटरफेस ब्रीफ, सो रनिंग कॉन्फ़िगर, सो रनिंग कॉन्फ़िगर। देखो मैंने पासवर्ड क्या क्या दिया हूं, इनेबल पासवर्ड में CCNA दिया हूं मैं। अभी पासवर्ड देख पा रहे हो, अभी देख पा रहे हो ना, अभी पासवर्ड तो भाई देख पा रहे हो ना अभी। अब मैं चाहता हूँ जो पासवर्ड मैंने दिया हूँ CCNA वो पासवर्ड कोई देखे ना मेरा, ठीक है। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे जाओगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे दोस्तों और वहां पे लिखोगे इनेबल पासवर्ड इंक्रिप्शन,
इनेबल पासवर्ड इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड इनक्रिप्शन लिखोगे शायद, है ना? जस्ट वेट, ओके, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन होगा, सॉरी, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। अब देखो, अभी मैंने पासवर्ड आप देख पा रहे थे ना CCNA, अभी मैं क्या करता हूँ, सो रनिंग कॉन्फ़िगर में जाओगे तो आप देख, अभी देखो पासवर्ड, अभी देखो कैरेक्टर में शो हो रही है ना ये पासवर्ड, है ना? ठीक है, तो ये पासवर्ड भी देख सकते हो आप, ठीक है दोस्तों? तो आप देख नहीं सकते पासवर्ड, अगर जैसे ही पासवर्ड सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन लगा दोगे तो कोई नहीं देख पाएगा, लगाने का मतलब यही है तो है। अब देखो मैं यहाँ पे हाउ टू सेटअप कंसोल पासवर्ड, सॉरी लाइन VTY पासवर्ड कैसे देते हैं, जो कि लॉग इन मेंट इनेबल जो हम लोग एंट्री करते हैं ना लॉग इन पासवर्ड, उसको कैसे देते हैं वो देखते हैं हम लोग। पहले ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे जाएंगे और ये मैं लाइन VTY स्पेस 0 मैं ये कमांड दूंगा, मैं लाइन VTY स्पेस 0 लाइन VTY स्पेस 4 मैं, अच्छा लाइन VTY मैं 4 कंप्यूटर को मैं देना चाहता हूं, ठीक है 0, ठीक है तो लाइन में आ गया मैं, और मैं यहां पे देता हूं पासवर्ड, सॉरी लाइन कंसोल होगा, ओके नहीं कंसोल पासवर्ड मुझे यूज करना है ना, ये तो VTY पासवर्ड हो गया ना, जो कि हम लोग टेलनेट पे देते हैं हम लोग, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कंसोल पे पासवर्ड देने के लिए, ये स्टॉप एंड टाइमिंग आउट के लिए होती है ना, तो लाइन कंसोल 0 होगा ना, ठीक है मैंने एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करो लाइन, लाइन कंसोल, लाइन कंसोल स्पेस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइन कंसोल स्पेस 0 दे दोगे तो आप एक पासवर्ड सिस्को दे दो, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, पासवर्ड मैंने क्या दे रहा हूं, मैं पासवर्ड सिस्को, मैंने पासवर्ड क्या दे दिया सिस्को। अब सिस्को में पासवर्ड देने के बाद में मैं तो क्या रहे एग्जिट टाइम आउट, मतलब 00 देखो लॉग इन सिंक्रोनाइजेशन दे दो यहाँ पे, है ना, एग्जिट टाइम आउट 0, एग्जिट टाइम आउट, सॉरी एग्जिट टाइम आउट 00, ठीक है, और यहाँ पे लॉग इन, लॉग इन सिंक्रोनाइजेशन SYN सिंग, SYN सिंग क्रोनाई, अच्छा लॉग इन, लॉग इन ही होगा शायद, एक मिनट रुको, आपकी कमांड जो होगी लॉग इन सिंक्रोनाइज, लॉग इन होगा राइट, मैंने अभी दे रहा हूँ मैं लॉग इन, अब लॉग इन भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लॉग इन, लॉग इन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब देखो मैं एग्जिट दे ना, अभी एग्जिट करो, तो जैसे ही पासवर्ड को जैसे रिबूट करोगे ना राउटर को, मैं एग्जिट इसको भी करता हूँ, ठीक है, तो ये लॉग इन पासवर्ड हो गया, ये लाइन कंसोल स्पेस 0 इनेबल पासवर्ड, मैंने ये इनेबल पासवर्ड दिया नहीं लग रहा, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइन कंसोल 0 एक, वेट वेट, मैं यहाँ पे मैं CCNA, CCNA नहीं सिस्को, ओके CCNP में दिया था ना सीक्रेट पासवर्ड, देखो जैसे ये एक एरर आ रहा है ना, नो आईपी डोमेन लुकअप चला दोगे तो ये एरर नहीं आएगा, बट इसकी एक सिंटेक्स होती है कंट्रोल शिफ्ट F6, कंट्रोल शिफ्ट F6, ठीक है। जब तक ये हो रहा है जब तक मैं दूसरे राउटर पे आ जाता हूं मैं,
टाइम लगा रहा है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं दूसरे राउटर पे आ जाता हूँ। मैं मुझे आसानी हो जाएगी प्रैक्टिकल कराने में। चलो आ गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इनेबल करता हूँ मैं, और CCNP देता हूँ मैं, ठीक है, अभी आ गया ना। अब देखो ये मैंने इनेबल पासवर्ड कैसे देते हैं, वो कंसोल पासवर्ड कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाओगे तो लाइन कंसोल, लाइन कंसोल 0, ठीक है, इनेबल पासवर्ड, इनेबल इनेबल बी एल इनेबल, अरे यार ओके। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। मैं एक काम करते हैं हम लोग, हाउ टू सेट अप कंसोल पासवर्ड एंड स्टॉप लाइन कंसोल स्पेस 0, ओके, लाइन कंसोल जी, लाइन कंसोल होगा, मैंने गलत दे दिया, लाइन कंसोल 0, ठीक है, और उसके बाद कौन सी होगा, मैंने दे रहा हूँ लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को, पासवर्ड सिस्को, सिस्को दे दो, एग्जिट दे दूँ, एग्जिट, अब फिर एग्जिट करूँ, एग्जिट करूँ, अच्छा, ओके, तो मैं इनेबल पासवर्ड देता हूँ, मैं इनेबल, ये मैंने CCNP दे दिया मैंने, ठीक है, तो अभी आ गया मैं यहाँ पे सिस्को, अरे यार कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं यहाँ पे मैं ये गलत कर दिया मैंने, तो एक काम करता हूँ, लाइन लाइन कंसोल 0, फिर पासवर्ड सिस्को, सिस्को लॉग इन, ठीक है, लॉग इन हो गया ना, यही है ना भाई, ओके, लॉग इन, पासवर्ड में लॉग इन नहीं दिया था। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, ये मैं यहाँ पे सेव कमांड जो होती है ना, राइट कमांड चला दो, ये सेव हो जाती है, एग्जिट, देखो आ गया ना यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। तो ये इसको मैं बता रहा था, मैं लॉगिन वहां पे लिखा नहीं था, इसीलिए ये पासवर्ड मेरी सेव नहीं हो रही थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्को पासवर्ड देता हूँ, तो देखो आ गया ना, अभी इनेबल पासवर्ड ये हो गया मेरा, और ये मेरा कौन सी पासवर्ड हो गया, सीक्रेट पासवर्ड, मैंने CCNP दे दो, ठीक है, कन्फिगर टर्मिनल दे दो ये पासवर्ड में, तो मैं सिस्को पासवर्ड ये दे दिया मैंने दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ये लाइन कंसोल आपने पता लग गया होगा, तो अगर सेव करना है तो ये कमांड चला दो डायरेक्ट, या राइट कमांड चला दो, जैसे मैं अभी मैंने इंट्री करके बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो टाइम एंड सेट कैसे करते हैं, ये लिखो, ये आपकी प्रिविलेज मोड में सेट होती है ये, ठीक है, तो कैसे टाइम एंड डेट सेट करते हैं, इसको मैं पेस्ट करता हूँ मैं, और इसके अकॉर्डिंग मैं सेट करता हूँ, 2020 ले लो आप, सितंबर नहीं, अभी अगस्त चल रहा है, AUGUST, अगस्त है ना, मैंने दिया कितना, एक टाइमिंग जो हो रहा है मेरा 12/6/18 18 44/26 26, देखो सेट, अभी यहाँ पे 100 क्लॉक करोगे ना तो आपकी टाइम इतनी 100 होगी, देखो टाइम होता है 1 अगस्त 2020 सैटरडे, ठीक है, तो मैंने ये मैंने सारा क्लॉक कैसे रेट सेट वो भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट पे रहते हैं कि कैसे बैनर सेट करेंगे वो बताओ,
कैसे बैनर सेट करेंगे वो चीज है ये, तो आप भी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग कैसे बैनर सेट करेंगे। बैनर मोटेड ही आप लिख सकते हो और सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो लॉगिन यूजर एक्सेस मोड के लिए है, ठीक है, तो बैनर सेट करने के लिए होती है। अब देखो आईपी एड्रेस कैसे देते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो मैंने अभी आईपी एड्रेस जो मैंने कनेक्ट किया हूं मैं, तो देखो आज हम लोग सीखते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, ठीक है, और डीटीई और डीसीई राउटर होती क्या है, ये चीज मैं सारा सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ मैं। तो मैं आईपी देता हूँ, लेट्स स्टार्ट हाउ टू असाइन द आईपी राउटर पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल दोगे और यहाँ पे दोगे आप, मेरे को पता नहीं कि कौन सी इंटरफेस मैंने ज्वाइन किया हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गीगानेट इंटरनेट इंटरफेस है, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख के अगर कर सकते हो आप यहाँ पे ले लो, और मैं यहाँ पे इंटरफेस सॉरी इंटरफेस ये फर्स्ट वाला ये नहीं है मेरा, ये नहीं है भाई, ठीक है, गीगा नहीं, ये FA0/0 है, FA0/0 है ना। और आईपी एड्रेस दे दो मैं 1.1.1.1.255.0.0.0 है ना, देन नो शटडाउन कमांड देते हैं हम लोग, ठीक है, नो शटडाउन कमांड दे दिया मैंने, ये लॉगिन हो गया, तो आईपी असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो आईपी असाइन आप लोगों ने सीख लिया कैसे देते हैं राउटर पे आईपी, कोई भी इंटरफेस है तो वो इंटरफेस के अकॉर्डिंग आप क्या दे सकते हो, आईपी दे सकते हो आप। नो शटडाउन मतलब नो शटडाउन वो कमांड होती है आपकी कमांड को सॉरी पोर्ट को ऑन करने के लिए यूज होती है नो शटडाउन कमांड। आप डुप्लेक्स यूज कर सकते हो और बैंडविथ भी आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो डुप्लेक्स ऑटो में दोबारा एक बार काम करता हूँ, दोबारा मैं ये कमांड चलाता हूँ मैं, ठीक है, ये काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मेरा कमांड है क्या है, आप डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हो ना, आप डिस्क्रिप्शन लो मैं आजकल मैं डिस्क्रिप्शन भी सेट करता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने इसका इंटरफेस का Line 1 है ना, Line 1 दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कोई नहीं। अगर मैं इसको डुप्लेक्स भी डुप्लेक्स इसको डुप्लेक्स ऑटो कर दो, डुप्लेक्स ऑटो कर लो आप, तो डुप्लेक्स ऑटो कर लिया मैंने, बैंडविड्थ कर लो, बैंडविड्थ मतलब स्पीड कितना देना चाहते हो उसके भी सेट कर लो, बैंडविड्थ मतलब कितना दे दिया मैं 15,000, ठीक है, और फिर नो शट डाउन कर दो आप, तो आप नो शट डाउन भी कर सकते हो। अब उसके बाद आपका पोर्ट ऑन हो गया होगा और देन आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने प्रॉपर अब मैंने कंफिगर कर दिया मैंने पीसी पे। अब देखो मेरा नेक्स्ट जो कमांड होता है बैनर सेट करना भी आपने यूज कर चेंज कर लिया आपने। अब देखो डीटी और डीसी राउटर होती क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। अब डू शो आईपी राउट, जैसे आप ग्लोबल कनेक्शन मोड पे डू शो आईपी राउट चलाओगे ना, डू शो आईपी राउट चल जाएगी आपकी कमांड, ठीक है। अब राउटर बैकअप कैसे लेते हैं उस चीज आपको मैं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहले कि डीसी और डीटीई राउटर क्या होती है वो चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं इसको भी कनेक्ट करता हूं मैं, इस राउटर को भी कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा पोर्ट अभी ऑन नहीं हुआ है तो मैं अभी ऑन करके मैं बताता हूं मैं, ठीक है, उस इंटरफेस पे मैंने देता हूं मैं, जस्ट वेट। अभी मैं क्या डी टी और डीसी राउटर के बारे में आप बताता हूँ पहले, ठीक है, उसको बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, डीप में आपको बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को आसानी हो जाएगा, ठीक है। डी टी और डीसी राउटर ये रहा, तो देखो डी टी और डीसी डीसी क्या होती है कि डीसी E और DTE, DTE stands for data terminal equipment and DC stands for data communication equipment, ठीक है। DTE जो typically either a dumb terminal or serial port on a computer workstation, DC typically or modem, DSU, SCSU और other piece of data, मतलब जो समझो आप मैं चीज आपको एक बताने वाला हूं मैं, जो DTE होगा
जो डीटीई राउटर होगा और डीसीई, डीटीई मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डीसीई मतलब क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो और इसको डीप में आप लोग पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो अगर आपको डीसी और डीटी में अगर राउटर आपको लगाना है ना, तो वहां पे आपको क्लॉक रेट देना होता है, ठीक है, डीसीई राउटर में। जैसे ही आप क्लॉक रेट दोगे तो आप एक क्लॉक रेट आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाती है। क्लॉक रेट ओनली अप्लाई टू द सीरियल इंटरफेस इज डिफॉल्ट क्लॉक रेट, सिस्को राउटर का आपको क्लॉक रेट 64,000 होती है, ठीक है। तो क्लॉक रेट आप डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे सीरियल इंटरफेस से आप क्लॉक रेट आप पढ़ते हो ना आप लोग, तो उसमें क्लॉक रेट भी आप डिफाइन क्या कर सकते हो, कर सकते हो आप। अब देखो मैं अभी क्या करता हूं, मैं डीसी और डीटीई मैं अभी अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूं आपको, ठीक है। देखो मेरा ये राउटर वन है, तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं एग्जिट करता हूं, मैं एग्जिट कमांड करता हूं। अभी सीरियल इंटरफेस से आईपी देते हैं हम लोग, ठीक है। तब कॉन्फ़िगर अगर टर्मिनल करोगे तो यहां पे जाओगे आप, तो इंटरफेस SE0/0 पे जाओगे आप, ठीक है। अब देखो क्लॉक रेट बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 64,000 सिस्को का, तो यहां पे दे सकते हो आप, ठीक है। नो अब आईपी एड्रेस दे दो, इसकी आईपी एड्रेस दे दोगे 1. यानी के 10.0.0.0.1.255.0.0.0, राइट, नो शट डाउन। ये मेरा पोर्ट ऑन हो गया, ये दिखा रहा है आपका। अब नेक्स्ट में राउटर वन है, राउटर टू में जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेरी राउटर में है, ठीक है। तो इसको भी ऑन कर लो आप, अरे यार एक मिनट, ये मुझे और पासवर्ड रीसेट करने का मोड आ गया, तो अभी मैं उसको बताने वाला हूँ, मैं अभी रीस्टार्ट हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, नो किया मैंने। अब देखो इनेबल मोड में आ रहा हूं मैं, इनेबल मोड में। अब देखो इनेबल मोड में आया मैंने, तो इस पे भी मैंने सीरियल इंटरफेस पे आईपी देते हम लोग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस SE0/0/0 और यहाँ पे आईपी यहाँ देखो क्लॉक रेट 64,000। देखो ये क्या है, डीसीई और डीटी, डीसी मतलब डीसीई पे क्लॉक रेट डिफाइन कर सकते हो और डीटीई पे आप डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप डीसी और डीटी कैसे आपको पता लगेगा कि राउटर मेरा डीसीई और डीटी है, तो इसके लिए पता है आपको कौन सी कमांड होती है, सो कंट्रोलर्स होती है आई थिंक, ठीक है, आपको बताता हूं। सो कंट्रोलर्स होती है कि डीसीई मेरा राउटर है कि डीटीई है। देखो सीरियल इंटरफेस में अगर देखो, ये है मेरा डीटीई राउटर होगा, ये क्लॉक रेट डिटेक्टेड डीटीई राउटर यहां पे दिखा रहा है वर्जन 35। तो सो कंट्रोलर से आप पता लगा सकते हो कि मेरा राउटर डीसीई है कि डीटीई है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा राउटर कौन सी है, डीटीई, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, वो डीसीई में ओनली आप डिफाइन कर सकते हो क्लॉक रेट, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा से जाता हूं मैं और इसमें आईपी एड्रेस देता हूं मैं, तो इंटरफेस
आप इंटरफेस SE0/0/0 आप आईपी एड्रेस सॉरी नो शटडाउन दे दोगे आप नहीं इंटरफेस SE0/0/0 दे दोगे, उसके बाद मैं क्लॉक रेट नहीं डिफाइन करना है आपको, उसके बाद आप आईपी दे दोगे डायरेक्ट, इसका दे दो 10.0.0.2 दे दो और 255.0.0.0 ठीक है, और नो शटडाउन पोर्ट को ऑन कर लो आप। तो देखो मेरा पोर्ट दोनों ऑन हो गया ठीक है, और मैंने एग्जिट दे दिया। अब मैं गीगानेट इंटरफेस में भी दे देता हूं मैं, कि मेरे को आसानी हो जाएगा, ये भी मेरा ग्रीन साइन आ जाएगी। तो मैंने इंटरफेस मैंने दे दिया GIG गीगर्ट इंटरफेस 0/0 ये दे दिया दोस्तों, और दे मैंने आईपी दे दिया, आईपी एड्रेस मैंने दे दिया आपको दे दो 1.1.2 255.0.0.0 राइट। अब यहाँ पे दे दो आपको नो शटडाउन दे दो कमांड ठीक है, तो नो शटडाउन दे दिया मैंने ठीक है, नो शटडाउन कमांड दे दिया मैंने। अब देखो नो शटडाउन कमांड में मेरा पोर्ट ऑन हो गया, तो एग्जिट कर सकते हो आप ठीक है। तो यहाँ पे पिंग करा के भी यूज कर सकते हो आप राइट, यहाँ पे मैंने पिंग चला रहा हूं यहाँ पे 10.0.0.0.1 तो मेरा पिंग हो गया सक्सेसफुल 100%, क्योंकि मेरा कमांड क्या है मतलब दोनों राउटर मेरा क्या है कम्युनिकेशन हो रही है, पिंग हो रही है मेरी कमांड ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ठीक है, हाउ टू बैकअप राउटर TFT, कैसे बैकअप राउटर को TFT लेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो जितने आपने कंफिगर किया है अपने, तो ये सारे देखो, चलो राउटर को बैकअप भी बताता हूँ। ये मेरी क्या स्टार्टअप जो मैंने बताता हूँ ना, मैं अभी सॉरी गलत कर दिया मैंने, कॉपी होगी कमांड ये ठीक है। तो मैंने कमांड को कॉपी किया और मैं राउटर 1 की लेते हैं कोई एनीवेज, मैं राउटर 1 की बैकअप लेता हूं मैं दोस्तों ठीक है। तो देखो मैंने एग्जिट किया मैंने, और ये भी मैंने एग्जिट किया मैंने ठीक है, राउटर 1 का बैकअप लेता हूं मैं। तो राउटर 1 का बैकअप कैसे लेते हैं वो भी देखते हैं हम लोग, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे पेस्ट करो जो मैंने, यहाँ पे जाओगे कॉन्फ़िगर में जाओगे, नहीं यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे पहले कंप्यूटर में जाना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर में जाने के बाद में यहाँ कॉन्फ़िगर में जाओगे, डेस्कटॉप में जाओगे और आप ही आईपी कॉन्फ़िगरेशन दे दोगे, आप दे दोगे 1.1.1.2 इसका दे दिया मैंने 1.1.1.1 यहाँ पे रेंज दे दिया, और मैंने गेटवे भी 1.1 दे दिया। देखो यहाँ पे ना कोई होगा कस्टमाइज इंटरफेस, और यहाँ पे DHCP ओके मतलब जो फोल्डर का नाम दे दोगे ना तो उसमें आपकी शो हो जाती है ठीक है। कस्टमाइज यहाँ पे एक्चुअल में शो नहीं हो रही है, तो सेटिंग डाउन नहीं हो रही है, कस्टमाइज इंटरफेस नहीं हो रही है, डेस्कटॉप इसको ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, टर्मिनल डायलॉग ईमेल TFTP कॉन्फ़िगर में नहीं, फिजिकल में ओके चलो ठीक है। एनीवेज मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बैकअप के बारे में ना आपको मैं कल बताता हूँ मैं इसकी वीडियो के बारे में। तो आपकी कॉपी, अगर कॉपी लेना है ना कॉपी स्टार्टअप, अगर मैं नहीं बता ही देता हूँ जैसे स्टार्टअप कॉपी TFTP तो ये मेरी बैकअप आ जाएगा, नो वोलेटाइल में कोई भी अगर फोल्डर का नाम दे दोगे ना तो TFTP सर्वर होगा। मैंने सर्वर ज्वाइन नहीं किया इसीलिए नहीं हो रहा है ठीक है, तो मैंने सर्वर ज्वाइन कर ही लेता हूँ एक मिनट।
मैं सर्वर अभी पीसी से कनेक्ट नहीं किया हूँ ना, ये मेरा सर्वर है, ये लो भाई ये मेरी सर्वर हो गया। तो मैंने क्या किया इससे, ओके ये स्विच लेना पड़ेगा यार, ओके एक मिनट जस्ट वेट, एक काम करते हैं मेरे स्विच ले लेता हूँ मैं एनीवेज, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा ये, ठीक है बैकअप लेने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। मैं दोनों काम करता हूँ, इसको इसको काटो और कोई बात नहीं, आपने जो कन्वेयर किया आपने ना, अरे यार एक मिनट ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसको हटाओ, 1 फुट है, 1 ही फुट है। तो एक काम करते हैं हम लोग स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, आसानी हो जाएगी है ना, FA0/0 में, और ये अब स्विच से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग है ना, और ये सर्वर से मेरा कनेक्ट हो जाएगा ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, FA0/0 है ना, फास्ट इंटरनेट से मैंने ज्वाइन कर लिया मैंने ठीक है, और ये FA0/2 पे मैं IP दूंगा मैं, या मैं इसको पोर्ट मेरा ऑन हो जाएगा कोई नहीं, मैं 01/0 पे मैंने IP ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, तो मैं लगातार मैंने IP दे दिया हूँ मैं ठीक है, ये भी मेरा पोर्ट ऑन हो गया, इसके भी IP देता हूँ मैं 1.1 के रेंज में देता हूँ मैं ठीक है, जस्ट वेट कोई बात नहीं है, 1.1.1.3 दे देते हैं हम लोग, इसका दे देते हैं 1.1.1.1 ठीक है, और ये मेरी अब पिंग करा के देख लेते हैं गेटवे इसकी पिंग हो रही है कि नहीं, 1.1.1.1.1 देखो पिंग हो रही है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सर्वर को ओपन करो आप, सर्वर को मैंने ओपन किया, अब देखो इसमें ना TFT सर्वर होगा, जैसे मैंने बता रहा था ना सर्विस में जाओगे, सर्विस में जाके देन TFT ये रहा भाई ठीक है। तो मैं कुछ अगर अब मैं बैकअप ले रहा हूँ मैं, अब देखो मैं बैकअप ले रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट TFTP सर्वर के अंदर जाएगा ये, तो 1.1.3 के रेंज में जाएगा ना, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा जो फोल्डर आप दोगे ना यहाँ पे TFTP सर्वर के अंदर, इसकी IP देना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि लोकेशन तो दिखाना पड़ेगा ना आपको दोस्तों ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने कितना IP दिया हूँ भाई, 1.3 दिया हूँ मैं ठीक है, तो देखो यहाँ पे जाओ फर्स्ट में जाओ, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने TFTP यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट मैं ये रहो, तो TFTP बैकअप कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे कॉपी दो स्टार्ट हो TFTP हो गया, और यहाँ पे आपका सर्वर IP एड्रेस देना पड़ेगा या कंप्यूटर नेम दे दो वहाँ पे ठीक है, तो 1.3 में IP दे देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है मेरे को है ना, यहाँ पे क्या देता हूँ मैं, अरे यार 1.1.1.1.3 नहीं नहीं यार, ओहो मैंने गलत लिखा हूँ ना, देखो यहाँ पे ओ लिखा हूँ COPY कॉपी, नहीं, 1.1.3 TFTP ना, TFTP नहीं, ये भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फिग TFTP सर्वर, तो TFTP का मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, एक काम करते हैं TFTP के फोल्डर में जाएगा, जैसे मैं देता हूँ सर्वर, नहीं, एक मिनट जस्ट वेट वेट वेट, मैं आपको बताता हूँ मैं, विल स्टार्टअप TFTP कॉपी स्टार्टअप कॉन्फिग स्टार्ट TFTP,
उसके बाद यू विल आस्क द रिमोट टीएक्टपी सर्वर आईपी एंड डिस्ट्रिक्ट फाइल नेम। अच्छा इसको फोल्डर नाम भी तो देना पड़ेगा ना, पहले आईपी देना पड़ेगा, पहले आईपी दे दो और देन उसकी जो फोल्डर से नाम देना चाहते हो 1.1.1.1.3 दे दो, VAC के बैकअप 1 नहीं नहीं हो रहा यार, बैकअप 1 नहीं ले रहा है ये 1.1.3 बैकअप, स्टार्टअप कंप्लीट बैकअप नहीं, ओपी स्टार्टअप कंप्लीट टीएफटीपी। एक मिनट जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ फिर, तो जो फोल्डर में नाम देना चाहता हूँ ना इसके अंदर, चलो ठीक है एनीवेज मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा मैं इसका बैकअप लेने का तरीका। चलो ओके थैंक्स, ओके दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बताना उसमें टीएफटी का बैकअप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ नेटवर्क की वजह से ये कमांड काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कमांड सारा बताऊंगा मैं टीएफटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करिए दोस्तों के साथ। ओके okay.